15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक विशेष दिन और ऐतिहासिक दिन। यद्यपि उसे हम आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, लेकिन एक ऐसी पीड़ा जिसको हम कहते हैं विभाजन विभीषिका। धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री, धन्य है हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष बीजेपी के और प्रांत अध्यक्ष बीजेपी के, जिन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन समिति का गठन किया। पिछले वर्ष इसका गठन हुआ और मुझे भी प्रांत अध्यक्ष ने इस समिति में काम करने का मौका दिया, जिसमें श्री मनीष ग्रोवर जी, जो पूर्व मंत्री और आज उपाध्यक्ष भाजपा में, वो संयोजक थे। उनके साथ बहन सीमा त्रिखा, विधायक फरीदाबाद, और श्री विनोद बिहाना जी विधायक, और मुझे इस समिति में रखा। हमने 22 दिनों के अंदर जाकर के लोगों के अंदर, एक युवा के अंदर एक ऐसा जोश भरा कि कभी भी युवा को अपना भूतकाल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उस समय दरिंदगी का अभिप्राय है कि लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, लाखों लोग मारे गए और लाखों बहनों की इज्जत लूटी गई, और कई तो ऐसे भी माता पिता हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बच्ची का गला घोटा या उसको तलवार से मारा ताकि उसकी इज्जत बची रहे। वो भयावह स्थिति, वो त्रासदी, उस समय का जिसको हॉरर बोलते हैं, जब आंखों के आगे आता है, बड़ा दुखदाई है। मैंने, हमारे एक मित्र हैं, फिल्म अकेडमी चलाते हैं, उनके माध्यम से एक नाटक तैयार कराया, जिस नाटक के अंदर हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा, उनके अनुभव के आधार पर एक पुस्तक बनाई। उस पुस्तक का विमोचन हमने पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया, और उन आर्टिकल और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर एक नाटक तैयार किया जिसका नाम था गुमनाम शहीद, जिसको पिछले वर्ष अप्रैल हाउस गुरुग्राम में दिखाया गया, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे 6 जो हमारे पंजाबी विधायक हैं, वो क्योंकि उन्होंने भी वो दर्द देखा हुआ है, हमारे साथ में सुनीता दुग्गल जी थी, संजय भाटिया जी थे। इस प्रकार इन लोगों ने आकर के उस नाटक को देखा तो लोगों की आंखों में अश्रु धारा थी। कारण यह है कि वो दर्द, पिछले हफ्ते भी रविवार को मैंने यही नाटक थोड़ा सा परिवर्तित रूप में गुरुग्राम में DLF के अंदर, आर्य समाज के अंदर एक ऑडिटोरियम में, वहाँ दिखाया। और 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को, जिसको हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कहते हैं, माननीय मनीष ग्रोवर जी, हमारे पूर्व मंत्री और इस कमेटी के संयोजक, उन्होंने रोहतक के अंदर रखा है। तो ये जो दर्द है, हम चाहते हैं कि युवा कभी ना भूले। इसराइल के अंदर इस प्रकार की जब घटना घटी, तो उन लोगों ने, जो लोग शहीद हो गए उन्हें मरने नहीं दिया, उनके क्रियाकलापों को जिंदा रखा। तो हमारे युवा को ये याद रखना चाहिए कि आज आज़ाद भारत के अंदर आप अगर खुल के सांस ले रहे हैं, तो उस सांस के पीछे जो कत्लेआम हुआ, जो कुर्बानी हुई, हमने तो ये भी प्रार्थना की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, बल्कि कई संस्थाएं भी इस पर लिख चुकी हैं, कि वो जो लोग मारे गए उन्हें शहीद डिक्लेयर किया जाए। हर जो भी लोग वहां से आए थे संपन्न हैं, उनको कोई अलाउंस की वजह से नहीं शहीदी मनाना उनको। उनका अभिप्राय यह है कि ऐसे व्यक्तियों को आने वाले इतिहास में लोग याद रखें कि जिस व्यक्ति का ये हाल हुआ, जिस बहन के साथ ये हुआ, जिस बेटी के साथ ये हुआ, उन्हें शहीद डिक्लेयर करने से लोगों के अंदर एक उत्साह जागेगा। तो मैं 15 अगस्त की, ठीक है आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता का दिन, लेकिन ये दुख का और दर्द का, क्योंकि दो खाली ज़मीनें विभाजित नहीं हुई थी, लोगों के अंदर जो सौहार्द वातावरण था, रिश्ते थे, उनके अंदर भी एक दरार पड़ी थी। तो हमारे युवा को 15 अगस्त के लिए भूलना नहीं चाहिए, और विभाजन विभीषिका, विभीषिका का अभिप्राय है त्रासदी, हॉरर, भयावह, डरावना। तो इस प्रकार की स्थिति को नहीं भूलना चाहिए, और हर युवा को इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और आने वाला जो समाज है, आने वाली पीढ़ी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता मात्र कागजों में नहीं हुई, इसमें कितने लाखों लोगों का खून गया।